नियम है, दो इसके बनाए हुए वसूल है, मैं छोटो राम वसूलों पे आगे बढ़ूंगा। मैं विधायक को मैं नहीं उखाड़ पाऊंगा, जो इतनी जनता देख रहे हैं ये उखाड़े फेंकेगी कि भाई बेटियों को कॉलेज आने जाने में सुविधा हो सके। आज क्या प्रोग्राम? आज हमने अपने ऑफिस का आगमन किया है, कार्यालय का आगाज किया है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हम यहाँ से पूरा संचालन करेंगे और ये करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां आ जाएगी, जेपी की बात कांग्रेस का, तो किस प्रकार आप एक आजाद उम्मीदवार होते हुए? हम मैं जो सर छोटूराम जी के दो नियम हैं, दो इसके बनाए हुए वसूल हैं, मैं छोटूराम वसूलों पे आगे बढ़ूंगा और जो इनकी जो इन सोच थी और जो पूरी नहीं हो पाई, मैं उस सोच को जो इनकी जो मनोकामनाएं थी उनको पूर्ण करूंगा। डेहरी विधानसभा में विकास की कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा, सड़कें बुरी हैं और जो है पेयजल व्यवस्था नहीं है, बुरा हाल है, आपकी क्या रणनीति रहेगी डेहरी विधानसभा को चमकाने? देखो सबसे पहले हमने देखना बेटियों के लिए, अगर बेटियां हमारी शिक्षित होंगी ना, उनकी शिक्षा पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी शिक्षा और बेटियों के लिए। बेटियों के लिए शिक्षा होगी तो बेटी एक बेटी से दो घर बसते हैं, एक अपना और एक आगे, तो हमारा पहला कर्तव्य होगा बेटियों के लिए। इसलिए हमने बेटियों के लिए पहले बस भी चलाई है ताकि भाई बेटियों को कॉलेज आने जाने में सुविधा हो सके। तो पहला ध्यान हमने कॉलेज के लिए देखना है कि डेहरी में नजदीक जल्दी से जल्दी बेटियों के लिए कॉलेज बने, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारी कॉलेज होगी। दूसरी हमारी स्वास्थ्य के लिए होगी कि स्वास्थ्य जो है यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं है, हॉस्पिटल खुद डायलिसिस पे पड़े हैं, यहाँ पर ना कोई एक्सरे मशीन है ना कोई, अगर किसी का आज रात को कभी भी दिन में हार्ट अटैक हो जाए तो उसका कोई इलाज है ना, उसको ऑक्सीजन देने वाला नहीं है, और कोई भी अगर कोई आज बीमारियां ऐसी चल रही है, किडनी फेल हो जाती है, किसी का झगड़ा ही हो जाता है, किसी अगर मान ले दो भाइयों का झगड़ा हो गया, अपना किसी का सिर फट गया, तो टाके लाने वाला बेरी में नहीं है, उसको भी रेफर करते हैं, खाली रेफर यूनिट बन के रह गई है हमारी बेरी। बेरी में बाईपास आज तक नहीं है, सड़कें तो क्या है, बेरी का बाईपास होता तो बेरी में इतनी जो माता रानी, इतनी पुराना मंदिर है हमारा, इसमें साल में दो बार इतने बड़े मेले लगते हैं, कितनी भीड़ होती है, जनता कितनी परेशान होती है, तो इसका बाईपास होता तो ये तंगी खत्म हो जाती। तो बेरी का बाईपास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो गलियां जो टूटी सड़कें हैं वो तो रिपेयर होनी है। किसान बहुत परेशान हो चुके हैं, जो गर्मी का मौसम है और फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहोगे नहर के बारे में? नहर के बारे में नहर आती है लेकिन पानी और जो नालों की सुविधा नहीं है, वो उसमें धोखाधड़ी हो रखी किसानों के साथ भी, कि उनके ना नाके लगे हुए हैं ना टैल पानी है, जिसकी लाठी चलती है अपना कर लेता है और जो गरीब बेचारा रह जाता है। तो पानी तो है, ये मत बोलो पानी नहीं है, पानी तो नहर आ रखी है, इधर पानियां हैं तो पानियों के लेकिन ठीक से सर्कुलेट नहीं किया जा रहा, उनको ठीक से बांटा नहीं जा रहा, उनको ठीक से टैल नहीं लग रहे, टैल पर लोगों को नाके नहीं लग रहे, और यहाँ पर जो बहुत से गांव ऐसे हैं जो जिनके आज तक चकबंदी नहीं हुई है, लोगों ये नहीं मालूम मेरा खेत कौन सा कब आएगा कहाँ पर जाएगा, इतना साल हो गया आजादी को हमको, बहुत से गांवों के छारा गांव इतना बड़ा गांव उसकी चकबंदी आज तक नहीं होगी। एक परिवार बेरी की जो पिछले 35 साल के लगभग हो गए कांग्रेस की का एक विधायक रहता है, विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य कहीं दिखते नहीं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी बार विधायक को उखाड़ फेंकने का काम करेगा जो है? विधायक को मैं नहीं उखाड़ पाऊंगा, जो इतनी जनता देख रहे हैं ये उखाड़े फेंकेगी, ये मेरा साथ देंगे और ये उखाड़ के फेंकेंगे उसको, इसमें मैं थोड़ा फेंक पाऊंगा, ये जितने मेरे साथ हैं जो भाई हैं ये युवा शक्ति है ये उसको उखाड़ फेंकेगी। महिलाओं के ऊपर कोई फोकस होगा क्या? क्योंकि लगातार वोट बैंक के लिए इन दो चीजों को इस्तेमाल तो जरूर करते हैं राजनीतिक, लेकिन इनका काम नहीं करते, तो आपके लिए क्या फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज की होगी, युवा के साथ खड़े और महिलाओं के लिए? देखिए युवा जो आने वाले बच्चों के लिए पहले कॉलेज एजुकेशन तो मैं पहले ही बोला हूँ, उसके एजुकेशन लेने के बाद भी इनको रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है कि रोजगार के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता मानेसर या और आगे, उसमें 15-16 जो भी तनख्वाह मिलती है 15-16 हजार उससे ज्यादा तो खर्चा लग जाता है, वो बच्चे की समझ 4-5 हजार ही आता है। तो हम यहाँ पर जो आना था, जो सर भगवदयाल जी ने एक सपना देखा था कि भाई इस बेरी को मैं इंडस्ट्रियल हब बनाऊ, जो 1966 में अपना हरियाणा आजाद हुआ उसके फर्स्ट 6 महीने उसका राज रहा था, उसी में उसने इंडस्ट्रियल हब के लिए यहाँ पर विधानसभा में पास करा दिया था, लेकिन उसको दबा के रखा क्यों, बेरी के साथ विश्वासघात किया। दारू इसलिए बना दिया कि लोगों को याद ना रहे, ठीक है सो जाए नशे में लुप्त रहे, इसलिए बना दिया कि कोई सोचे नहीं, कोई आए नहीं, कोई पूछे नहीं कि पी के सो भाई आराम से, उनको याद नहीं रहेगा, बच्चों को नशे की आदत पड़ रही है, ये जरूरी था इधर, इसको खरकोदाम क्यों नहीं बनाया दारू फैक्ट्री को? हरियाणा को फुटबॉल का खेल बना रखा है, 10 साल हुआ, 10 साल इनकम्बेंसी के फिर उसके पाले में चले जाएगी, निर्दलीय आप कहां तक देख रहे हैं और अपने आप को कहां से मानते हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि जो यहां पर IMT खरकोदाम बनाई, IMT यहां बना देते, दारू फैक्ट्री वहां लगा देते, यहां पर जो
पावर प्लांट लाया, जो एजुकेशन सिटी जो बनाया है यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पर बना देते और उसको वहां लगा देते, मेन रोड पे था। यहाँ जो आया उसको दिक्कत भी होगी, उसको कोयला लाने में भी ट्रेनों दिक्कत होती है, वो वहां पर मेन लाइन पे था, वहां क्यों लगा? ये हमारे जर्जर के साथ सदियों से विश्वासघात होता रहा है, चाहे उसमें कांग्रेस है या बीजेपी कोई भी सरकार आई, सबने इसके विश्वासघात किया है और इसको एकदम विकास कार्य से वंचित रखा है। बदलाव चाहता है बेरी, बेरी बदलाव चाहता है। बेरी हल्के की जनता को क्या संदेश है? बेरी हल्के की जनता से ये दूंगा भाई, 25 साल बहुत हो गए, देखते देखते अब बेरी को बदल दो। थैंक यू सर।